बोलिए लाडली लाल की। हाँ, जब निराशा आती है मनुष्य में तो इतनी निम्न कक्षा की बात सोच जाता है कि उसको होश और हवास नहीं रहता कि मैं क्या सोच रहा हूं। भगवान के लिए भी, गुरु के लिए भी पाताल में पहुंच जाता है। इसलिए कामना रख कर भक्ति तो करनी ही नहीं है। साधक को तो बहुत ही डेंजर है, अगर सिद्ध हो जाए कोई तो पृथक बात है, उसका पतन होने का सवाल ही नहीं रहेगा कोई। लेकिन हमको तो अभी से सोचना है। तो नारद जी कहते हैं यत प्राप्त न किंचित बांछत, वो कुछ नहीं चाहता। अरे आनंद तो चाहता होगा, आनंद सबसे कठिन परीक्षा यही है, सबसे कठिन। जहां बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस भी फेल हो जाते हैं, वे भी सकाम हो गए, भगवान से ब्रह्मानंद मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। ये मोक्ष मांगना क्या है? कामना। आनंद मांगना कामना। अरे हम संसार की जो वस्तु चाहते हैं वो भी तो आनंद के लिए चाहते हैं। अगर आनंद मांगना सही है तो हम संसार का जो संसारी आनंद चाहते हैं वो भी सही होना चाहिए। तो मोक्ष की कामना भी सकामता है, लेकिन निष्कामता और सकामता में जो बारीक अंतर है वो क्या है? हम भगवान की सेवा चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, ये भी कामना है। वाह वाह वाह, बड़े आप अच्छे हुए, सेवा चाहते हैं और कहते हैं हम निष्काम हैं। अरे आपका एम तो है कुछ, सेवा चाहते हैं ना? हाँ, लेकिन हम सेवा चाहते हैं अपने प्रियतम की, सेव्य की। हाँ हाँ, सेव्य की सेवा चाहते हो, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है उसे खुशी होती है, ऐसे ही ना? नहीं नहीं, हम श्याम सुंदर की सेवा इसलिए चाहते हैं कि श्याम सुंदर को सुख मिले। अब आनंद का की हमारी कामना भी समाप्त, अब हम निष्काम होंगे। श्याम सुंदर को सुख मिले इस उद्देश्य से उनकी सेवा मांगते हैं, उस सेवा के लिए उनका दिव्य निष्काम प्रेम मांगते हैं। यहां से चला, निष्काम प्रेम चाहिए क्यों? उनकी सेवा करेंगे क्यों? उनके सुख के लिए। इसके लिए नारद जी ने एक सूत्र बनाया है, तत् सुख सुखित्वम। तो क्यों जी, फिर हमको आनंद कहां मिला? ऐसा लेबर इतना लंबा चौड़ा हमने किया, बेकार हो गया? नहीं, जब श्याम सुंदर को आप सुख देंगे सेवा से, तो श्याम सुंदर उसको और मधुर बनाकर लौटा देंगे आप, तब आपको वो उससे अधिक आनंद मिलेगा। फिर आप उसको श्याम सुंदर को दे देंगे, फिर वो आपको लौटा देंगे, फिर आप उनको दे देंगे। ये क्रम अनंत काल तक चलता जाएगा, इसलिए आनंद बढ़ता जाएगा। इसलिए आगे भक्ति सूत्र बनाया है नारद जी ने, एक प्रतिक्षण वर्धमानम। अस्तु, अब आप लोग समझ गए, न किंचित बांछत और न सोचति। नंबर दो, भक्ति प्राप्त व्यक्ति कुछ सोचता नहीं, शोक नहीं करता। शोक, अफसोस, किसी का बाप मर गया, बेटा मर गया, धन लूट गया, कुछ हानि हो गई, हो गई, गई, ध्यान दो पास्ट टेंस में, उसका फ्यूचर में यानी प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, भूतकाल का फ्यूचर क्या हुआ, वर्तमान काल,
उसमें वो फील करता है, वो चला गया, वो चली गई, वो छिन गया, वो छिन गई, कुछ भी छिन जाए, हर एक में भगवत कृपा रियलाइज करे तब बचेगा।